बोलिया जी, मंचा सिंह हमारे सम्मानित विशिष्टजन सभागार में उपस्थित अध्यापकगण, प्रबंधकगण और छात्र छात्रा और सभी भाई बहन, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि 19 के अंदर में चौथा इसका प्रभा समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह को मनाने से हमें ये पता चलता है कि हमारे बच्चे किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। 4 साल पहले से ये प्रारंभ नहीं, 2011 से प्रारंभ ये संस्थान बहुत ही सीमित समय में आज उन्नत की सीढ़ियां चढ़ रहा है। इसके लिए हमारे इनके संस्थापक जो गुधौलिया जी हैं वो और इसमें जो स्टाफ है उसकी मेहनत का नतीजा है। गुधौलिया जी को जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आजकल के जमाने में लोग अपने वेतन का एक पैसा नहीं खर्च करते हैं, लेकिन ये अपना वेतन का अधिकांश भाग शिक्षा क्षेत्र में खर्च रहे हैं ताकि इस क्षेत्र के बच्चे अपने यहां से कोचिंग प्राप्त करके हम उनको विश्वविद्यालयों में भेज सकें और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और कृषि के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर पहुंचकर देश की, गांव की और राष्ट्र की सेवा करें। हमारा विद्यालय इंटर कॉलेज कसौर में है, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पहला छात्र इस्लामुद्दीन जो इस संस्थान से चयनित हुआ था हमारे विद्यालय का था, दूसरा भी था और तीसरा भी था। और ये सब हमारे अध्यापकों की भी लगन का नतीजा है कि बच्चे मेहनत करते हैं और यहाँ अगर और मेहनत कराई जाती है वो विश्वविद्यालय में पहुंच रहे हैं। 5-7 बच्चों से स्टार्ट किए संस्थान, आज जैसा बताया जा रहा कि 56-57 इसमें चयनित हो गए हैं बच्चे, इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। साथियों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ की 75% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है और यदि हम कृषि के क्षेत्र को विकसित कर लें शिक्षा के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, तो हम अपने देश को उन्नत के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। और इस दिशा में हमारे गुधौलिया जी ने ये संस्थान चलाकर एक बहुत ही प्रेरित कार्य किया है और इससे आगे भविष्य में और नई नई प्रतिभाओं का विकास होगा। और ध्यान क्षेत्र से यहाँ पर गुदड़ी के लाल छपे हुए हैं, वहां से ऐसे प्रतिभाएं आती हैं जो आगे इस संस्थान का सहारा लेकर विश्वविद्यालय में पहुंच रहे हैं।